तो फ्रेंड, आप सभी ने अगले वीडियो में देखा कि मेरे हाथ की हड्डी कैसे टूट गई, मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया था और किस तरह से ये एक्सीडेंट होने के बाद मेरे हाथ की ऐसी हड्डी अलग हो गई थी और पूरी सर्जरी की थी। तो उसका भी मैंने पूरा व्लॉग बनाया, जो नहीं देखा तो आप जल्दी से देख लीजिए। तो ये हाथ में स्क्रू लग गया है। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि डेली व्लॉग बनाओ, तो मैं चलो आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा डेली व्लॉग। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरी मॉर्निंग ऐसे ही होती है, बहुत ही आलसी टाइप की। मैं 8 बजे उठती हूँ और बहुत ही आलस आता है क्योंकि अभी कुछ काम करना तो रहता नहीं है, बस उठ के ही ऐसे बैठ ही रहना होता है। तो बहुत ही लेजी लेजी सा फील होता है। फिर मैं जो मेरे डेली काम होते हैं वो मैं फिनिश करती हूँ और सबसे पहला काम है ये एग। एग में पूरा मिल्क डाल के उसको पीना, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क है क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन थी, बट अभी हाथ की हड्डी टूट गई है। तो इसके लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको ऐसे एग पीना है। फिर एग पीने के बाद मैं चली जाती हूँ बाजू में, मेरे मामी का घर है तो वहाँ बाजू में ही है, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ और यहाँ रानी के साथ खेलती रहती हूँ। और ये रानी देखो, हमारी बहुत ही समझदारी रानी है हमारी। मैंने इसके भी बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। तो मामी ने मुझे जूस दिया था जो मैंने पी लिया और यहाँ रानी को भी खाना दे दिया है। ये रानी भी प्योर वेजिटेरियन है और डेली जैसे कोई भी सब्जी वाला आता है तो रानी को यहाँ एक टमाटर तो देता ही है। तो वो उन सब सब्जी वालों को पता ही है कि इसको ये टमाटर चाहिए और इनको इतना टमाटर प्यारा है प्राणी को कि क्या बताऊँ। टमाटर की स्मेल ही उसे आ जाती है कि अभी सब्जी वाला आया है तो मुझे टमाटर दे के ही जाएगा। और हर सब्जी वाला आता है वो उनको टमाटर देता ही है। तो फिर से घर वापस आ गई हूँ और फिर से नाश्ता करने लगी हूँ मैं। तो अभी मैं थोड़े से फ्रूट लूँगी, फिर थोड़ी सी मेरी दवाई है जो वो मैं लूँगी। और मैंने इंस्टा पर बहुत सारे रील बनाई है तो आप देख सकते हो। सबसे प्राउड फीलिंग तब आती है जब कोई कहता है मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी है। तो अभी नाश्ता करने के बाद मुझे मम्मी ऐसे ही फेस वॉश करके अच्छे से मेरी स्किन केयर और हेयर केयर करती है ताकि मैं अच्छे से मेरी स्किन को कोई नुकसान ना हो। तो अभी वो ही चल रहा है और फिर से थोड़ी देर बाद मैं बाहर बैठती हूँ और मैं आपको देखो ये घर बता रही हूँ, ये मेरा और हमारे बाजू में ही मेरे मामा का घर है तो बिल्कुल ही बाजू में है। तो थोड़े टाइम मैं यहाँ रहती हूँ, थोड़े टाइम वहाँ रहती हूँ, ऐसे ही मेरा पूरा दिन जाता है। और फिर से दोपहर के टाइम थोड़ा सा लंच ले लेती हूँ मैं अभी और फिर से मामी के घर चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ रानी है तो रानी की वजह से मेरा टाइम अच्छे से वहाँ निकल जाता है। तो मैं वहाँ रानी के साथ खेलती ही रहती हूँ और रानी को देखो पूरे टाइम बस ऐसे ही पैकेजिंग वाले फूड बहुत ही पसंद है, वो सब खाती है ऐसे ही पैकेट वाले फूड। तो फ्रेंड, मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो व्लॉग बहुत सारे शूट किए और अपलोड भी किए हैं, तो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैंने बहुत सारी रील बनाई है। तो अभी 4 बज गए हैं और अभी भी मैं मामी के वहाँ पे हूँ, तो वहाँ मामी ने चाय बनाई थी तो चाय और नाश्ता हम सभी साथ में कर रहे थे और मैंने बताया था कि रानी को भी ये सब पसंद है तो वो भी खा रही है। और जैसे ही 4:30 बजते हैं मैं देखती रहती हूँ कि ये पानी पूरी वाला कब आएगा क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है ये पानी पूरी। और मैंने हेयर में मेहंदी लगाई थी हेयर केयर के लिए और शाम होते ही देखो पप्पा ने ये रोटी मेकर स्टार्ट किया है कि ये रोटी अच्छे से बन रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी मेरे घर पर जाना है तो वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही है तो वहाँ पे मुझे रोटी कैसे बना सकती हूँ, कैसे मैं बेल सकती हूँ। तो इसके लिए पापा ने ये रोटी मेकर हमारे घर में था ही बट कोई यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि किसी को ये पसंद नहीं था। इसके ऊपर जो रोटी बनती है वो बहुत ही अच्छी नहीं बनती और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट कि ये रोटी कैसे बन रही है सभी। तो इसीलिए मैं इसको ले जाने वाली नहीं हूँ। और अभी शाम हो चुकी है और फिर से मामी के वहाँ पर आई थी और फिर से वापस घर पे जाके डिनर करने वाली हूँ और आज तो हंडवा बना रही हूँ। मेरा रूटीन यही रहता है पूरे दिन का। और बहुत सारे लोग ऐसे यार वीडियो देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप बहुत दूर जाना नहीं है तो जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि
तो ये अभी स्ट्रिक्ट डॉग है, तो मामी जैसे रानी को रखती है इसी तरह स्ट्रिक्ट डॉग को भी रखती है। जो रानी को खिलाती है वही चीज़ इनको भी मिलती है, ये स्ट्रिक्ट डॉग को भी खाने को मिलती है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाए थे, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।